उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद जारी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लिया फोन पर अपडेट। धामी ने पीएम को दी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी। सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंची 6 इंच की एक पाइप। 4 इंच की पाइपलाइन पहले से की गई थी मौजूद। 6 इंच वाली पाइपलाइन के जरिए किया जा रहा मजदूरों से कम्युनिकेशन। सुरंग पर 5 जगह हो रही ड्रिलिंग का काम। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वाली एक जगह पर सबसे ज्यादा फोकस। 20 से 21 मीटर के पास चट्टान आ जाने के चलते हुई परेशानी। करीब 60 मीटर तक होनी है ड्रिलिंग। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कई तकनीकी एजेंसियां काम में जुटी है। विदेशी एक्सपर्ट की भी ली गई है मदद। 3 से 4 विदेशी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। उत्तरकाशी सुरंग पर अगले कुछ घंटे बेहद अहम है। मजदूरों तक पहुंचने की हो रही है पूरी कोशिश। 800 mm डायमीटर वाले पाइप को आगे बढ़ाने पर चल रहा है काम। मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग पर लाई गई एक और मशीन। मशीन को जल्द से जल्द सुरंग तक पहुंचाने की कोशिशें। उत्तरकाशी में ट्रैफिक को क्लियर करवाते नजर आए पुलिसकर्मी। सुरंग में फंसे यूपी के श्रावस्ती के मजदूरों की पहली वीडियो सामने आने के बाद परिवार के लोग हैं खुश। जल्द से जल्द सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कर रहे प्रार्थना। सुरंग के अंदर लखीमपुर खीरी का एक मजदूर भी फंसा। मजदूर के सुरक्षित होने पर परिजनों में खुशी। वीडियो देख परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। सुरंग में 22 से 45 मीटर के बीच की सबसे चुनौतीपूर्ण होगा ड्रिलिंग का काम। तरल में इस जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में मलबा और अगर मशीन के जरिए हो रही ड्रिलिंग की कोशिश। उत्तरकाशी में घटनास्थल पर पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालना बताई प्राथमिकता। पीएम मोदी लगातार ले रहे हैं रेस्क्यू पर अपडेट। मजदूरों को बचाने के ऑपरेशन में ओडिशा ने बढ़ाया मदद का हाथ। मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग में लगाए जा रहे विशेष पाइप। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राउरकेला प्लांट में तैयार किए गए पाइप। राजस्थान में पीएम मोदी के कई कार्यक्रम। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा में रैली। भीलवाड़ा में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राजस्थान के कोटा में पीएम मोदी का बेरोजगार युवाओं से वादा। कहा सरकार बनने पर सलाखों के पीछे जाएंगे। पेपर माफिया बेरोजगारी के मामले में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य। राजस्थान के जालौर में अमित शाह का दौरा। जालौर के सायला में 11:30 बजे और रानीवाड़ा में 1:30 बजे रैली होगी। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान के सरदारपुरा विधानसभा में दौरा। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह राठौर के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजस्थान में करेंगे प्रचार। बाड़मेर खेरवाड़ा झाड़ोल में जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ। पचदरा और शिवगंज सिहोरी विधानसभा में भी रैली उनकी होगी। राहुल गांधी भी करेंगे राजस्थान में प्रचार। धौलपुर जिले में राजाखेड़ा और भरतपुर जिले की नदबई में जनसभा। 3:30 बजे गंगापुर सिटी में चुनावी सभा। राजस्थान के चूरू में आज प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगे प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में जनसभा। आरके रिसोर्ट मैदान में 12:30 बजे रैली। 2 बजे जयपुर इश्याहपुरा में प्रियंका की जनसभा। अगले 2 दिन राजस्थान के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान। 6 विधानसभाओं में करेंगे चुनावी जनसभा। वैर देवली और हिंडौली में रैली होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। ने कहा कांग्रेस सरकार के शासन में लिए गए फैसलों का स्वागत कर रही जनता। हर जगह मिल रहा लोगों का समर्थन। बाड़मेर में जनसभा के दौरान बीजेपी पर प्रहार करते नजर आए राहुल गांधी। बीजेपी पर लगाया देश में नफरत फैलाने का आरोप। कहा हिंदू को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा। राजस्थान के सीकर में अमित शाह की रैली। चंद्रयान 3 के बहाने किया कांग्रेस पर प्रहार। कांग्रेस को बताया परिवारवाद वाली पार्टी। सिर्फ एक परिवार के लिए करती है काम। सीकर में गहलोत सरकार पर बरसे अमित शाह। कहा राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1। प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में योगी की जनसभा। योगी बोले जहां मैं जाता हूं सिर्फ माफिया की होती है चर्चा। सिर्फ डबल इंजन की सरकार में माफियाओं का इलाज। राजस्थान के सीकर में जेपी नड्डा की रैली। नड्डा बोले कांग्रेस ने कहीं पर भी नहीं किया गरीब का भला। गहलोत सरकार पर निकाली अपनी भड़ास। बीकानेर में कांग्रेस पर प्रहार करते नजर आए नड्डा। कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी। देश की जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर प्रहार। कहा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए कांग्रेस के खिलाफ लगातार कर रही है बयानबाजी।
भरतपुर जिले की वैर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह कोली के बिगड़े बोल, मंत्री भजन लाल जाटव के बारे में कहे अपशब्द, चुनाव निपटते ही जेल भिजवाने की कही बात। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले कांग्रेस की वजह से मोदी पीएम बने, तेलंगाना में खुद को मजबूत स्थिति में बताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय का बयान, बोले 2024 में बनारस से लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, राहुल लड़ेंगे अमेठी से चुनाव। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी बोले, तेलंगाना में केसीआर ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग से अनुमति लिए बगैर जारी किया इश्तहार। विश्व कप के फाइनल की हार पर बोले अखिलेश यादव, कहा मैच गुजरात की जगह लखनऊ में हुआ होता तो टीम को बहुत आशीर्वाद। क्रिकेट विश्व कप में हार पर कांग्रेस नेता अजय राय का बयान, कहा मोदी और शाह ने मैदान में बैठकर बनाया प्रेशर, इसी वजह से फाइनल मैच हार गया भारत। राहुल गांधी के बचाव में उतरे अजय कुमार लल्लू, बोले राहुल गांधी ने वही बोला जो पूरा देश बोल रहा है। भोपाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का राहुल पर पलटवार, पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर साधा निशाना, वीडी शर्मा बोले राहुल ने किया देशवासियों का अपमान। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की कथित बेअदबी मामले में प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पाकिस्तान हाई कमीशन तक मार्च निकालने की कोशिश। सांसद रमेश विधोड़ी ने गांधी परिवार पर बोला हमला, कहा गांधी परिवार के नेताओं ने भी लोगों को दी थी भ्रष्टाचार की गारंटी, मुस्लिम समुदाय के साथ तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना, कहा 2024 चुनाव के नतीजे INDA के पक्ष में आए तो 2027 में बीजेपी का जाना तय। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बोले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए किया अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल, देश की जनता लेगी कांग्रेस से। क्रिकेट विश्व कप को लेकर सोशल मीडिया पर बयानबाजी, बिहार के मंत्री सुरेंद्र राम का बयान, पीएम मोदी को लेकर की विवादित टिप्पणी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर प्रहार, कहा लोगों को गुमराह करना और धोखा देकर वोट लेना कांग्रेस की संस्कृति, लोग अब इनके झांसे में आने वाले थे। बिहार में कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान, कहा नीतीश ने 2005 और 2010 में जो नाम कमाया था उस पर फेर दिया पानी, कहा अब नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जब्त की AJL और यंग इंडियन की 750 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त की गई संपत्ति। पीएम मोदी की अध्यक्षता में G20 नेताओं का वर्चुअल सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल सम्मेलन की अध्यक्षता, मीटिंग में पुतिन भी हो सकते हैं शामिल। पंजाब विधानसभा में लाइव कवरेज में विपक्ष की अनदेखी, विरोध में विपक्ष के कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दायर की याचिका, आज होगी सुनवाई। बिहार में रेलवे की जमीन के बदले नौकरी का मामला, आज ईडी लालू के एसोसिएट अमित कत्याल को राउंड एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश, 6 दिन की ईडी रिमांड पर थे अमित कत्याल। आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश, सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में कोर्ट में पेश होंगे सिसोदिया। महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी, कोर्ट ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में कर रही है सुनवाई। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी मामले में जांच को लेकर एनआईए की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया, कहा पुलिस करेगी षड्यंत्र का खुलासा। बिहार के नालंदा में दिन दहाड़े एयरफोर्स के जवान की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या, छठ पूजा में घर आया था जवान, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में फीस जमा न करने पर कक्षा 3 के छात्र के काटे सर के बाल, प्रिंसिपल पर छात्र की पिटाई करने का आरोप लगा है, नेकीराम आदर्श विद्या मंदिर का। लखनऊ में एडिशनल SP श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की सड़क हादसे में मौत का मामला है, स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार समेत तमाम अधिकारी पहुंचे एडिशनल SP के घर। लखनऊ में SP श्वेता के बेटे पर गाड़ी चढ़ाने वाला युवक पकड़ा गया छात्र अमेठी यूनिवर्सिटी का छात्र है, पुलिस ने अभियुक्त के साथ गाड़ी भी बरामद। MP के दमोह में पुलिस ने नष्ट किए बरामद विस्फोटक पदार्थ, बारूद के धमाके से महसूस हुए भूकंप की तरह चुटके, विस्फोट को देखने वालों के उड़े।
दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से मलक सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने नॉर्थ दिल्ली के फ्लाईओवर पर खालिस्तान के समर्थन में लिखा स्लोगन। मुंबई में सूटकेस में मिली लाश की गुत्थी सुलझी। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी ने की थी प्रेमिका की हत्या। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार। असम से स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। होजाई जिले में 982 ग्राम हेरोइन जब्त। तस्करी के आरोप में एक शख्स भी गिरफ्तार। आज रांची में मनाया जाएगा झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस। कार्यक्रम का राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन करेंगे उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक आज दूसरा दिन। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य को प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा करने पर हो रहा है मंथन। यूपी के इटावा में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई जाएगी। उनकी याद में स्मारक का शिलान्यास करेंगे अखिलेश यादव। गाजियाबाद में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान। देश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचना आतंकवाद और जिहाद फैलाने के बराबर। यूपी के कानपुर में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट पर बैन के बाद छापेमारी जारी। खाद्य विभाग की टीम छापेमारी के लिए बेकनगंज पहुंची। टीम की छापेमारी से बचा हड़कंप। बस्ती में डीएम के निर्देश पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को किया गया जब्त। खाद्य विभाग की टीम ने प्रोडक्ट के सैंपल भेजे लैब। छापेमारी से मचा हड़कंप। लखनऊ में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगने के बाद छापेमारी जारी। खाद्य विभाग ने फ्लिपकार्ट बेस्ट प्राइस स्टोर पर मारा छापा। हलाल प्रोडक्ट्स की जांच की। यूपी के मुरादाबाद में फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मॉल और रेस्टोरेंट पर मारा छापा। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के बिकने की सूचना पर भी छापेमारी। अलीगढ़ में हलाल ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट्स पर खाद्य और औषधि विभाग का शिकंजा। टीम ने हलाल ट्रेडमार्क लिखे प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग की। मेरठ में हलाल प्रमाणित उत्पाद स्टोर्स और दुकान से हटा दिए गए। बैन के बाद से डिपार्टमेंटल स्टोर से हटाए गए हलाल प्रमाणित उत्पाद। फूड डिपार्टमेंट की टीम की जांच से पहले एक्शन। यूपी के सहारनपुर में खाद्य विभाग की टीम ने हलाल सर्टिफाइड दाल पकड़ी। जियो मार्ट में 116 दाल और चने के पैकेट जब्त किए। वाराणसी में भी एक्शन में खाद्य विभाग की टीमें। हलाल प्रमाणित उत्पादों की जांच के लिए फूड स्टोर पर मारा छापा। हलाल प्रमाणित उत्पादों के लिए सैंपल लिए गए। गुजरात के सूरत डायमंड बुक्स बुर्स आधिकारिक तौर पर कारोबार के लिए खुल गया। 135 हीरा व्यापारियों ने शुरू किया कारोबार। सूरत डायमंड बुर्स में खोली गई है स्टेट बैंक की ब्रांच। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण से नाराज दिखे स्थानीय दुकानदार। उन्हें व्यापार की सता रही चिंता। वहीं श्रद्धालु कॉरिडोर के फैसले से हैं। बिहार में लखीसराय गोलीकांड का बीजेपी ने किया विरोध। विरोध में बाजार को कराया गया बंद। सरकार और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल। नोएडा के सरफाबाद में निर्माणाधीन बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के चित्रकूट में हाईवे पर रोडवेज और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत। 6 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया। यूपी के मुरादाबाद में अंधविश्वास के चक्कर में मृत युवक को 15 दिन तक कब्र में रखा। सांप काटने से हुई थी युवक की मौत। तांत्रिक के झांसे में आकर तंत्र विद्या की गई। ओडिशा के राउरकेला में एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेन। डाला बड़ा हादसा। सिग्नल खराबी के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 3 यात्री ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गई। श्रीनगर में वजीरबाग में आग की चपेट में आए 4 घर। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने से जान माल को नहीं पहुंचा ज्यादा नुकसान। रेप और हत्या केस में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम। फिर जेल से बाहर आया। 21 दिन की पैरोल की मंजूरी के बाद जेल से बाहर राम रहीम। पराली जलाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने पूछा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को क्यों दिया आर्थिक लाभ। जुर्माने के साथ एमएसपी से किया गया वांछित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने के लिए किसानों के पास कुछ तो कारण होगा। पराली निपटाने की प्रक्रिया 100% से क्यों नहीं करता पंजाब। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड में भारतीय टीम की हार। कतर की टीम ने भारतीय टीम को 3-0 से हराया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था मुकाबला।